हाय फ्रेंड्स, फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे जहां पे पावर जनरेट होता है, पावर जनरेशन प्लांट कहते हैं या फिर पावर स्टेशन कहते हैं, वहां से हमारे घर तक यानी कि कंज्यूमर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसमें क्या क्या सिस्टम रहता है, ये वीडियो उसके बारे में। इसीलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बन रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पावर प्लांट से हमारे घर तक यानी कंज्यूमर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो सिस्टम को चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा हो गया सब ट्रांसमिशन सिस्टम, थर्ड है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फोर्थ है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पावर स्टेशन से या पावर प्लांट से जो जनरेटिंग वोल्टेज होते हैं, मतलब जो वोल्टेज जनरेट होता है वो 11 kV का होता है या फिर 22 kV का होता है या फिर 33 kV का होता है। अगर वही वोल्टेज को हमारे घर तक डायरेक्ट ट्रांसमिशन करेंगे तो काफ़ी वोल्टेज लॉस होता है। तो लॉस को अवॉइड करने के लिए, जैसे लॉस ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे जनरेटिंग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। वो वोल्टेज को 11 या 22 या 33 केवी से उसको स्टेप अप करके 400 केवी तक कर लेते हैं, 400 केवी या फिर 220 केवी या फिर 132 केवी तक बढ़ा देते हैं। तो वो जो सिस्टम होता है 400, 220 और 132 का, उसको ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और वो सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। वो इंटरकनेक्टेड स्टेशन के आसपास में जितना भी पावर प्लांट से, सभी पावर प्लांट से वोल्टेज स्टेप अप करके इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को 66 केवी तक कर लेते हैं, उसको सब ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और वो सब ट्रांसमिशन सिस्टम से जो बड़ा बड़ा कस्टमर है, काफ़ी बड़े बड़े लार्ज कस्टमर को वहाँ से सप्लाई जाता है। और वही सब ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, अगर उसके आसपास में कोई छोटा जनरेटिंग स्टेशन है पावर प्लांट से, उसमें से वो सब ट्रांसमिशन सिस्टम में आके कनेक्ट भी होता है। और उसके बाद 66 केवी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके उसका वोल्टेज को कम कर देते हैं, उसका वोल्टेज को 33 केवी या फिर 25 केवी या फिर 11 केवी तक कर देते हैं। वो जो सिस्टम है उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और वहाँ से जो मीडियम कंज्यूमर है उनको पावर सप्लाई चला जाता है। और उसके बाद ये 11 केवी या 22 केवी या 33 केवी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके हम लोग 440 वोल्ट तक कर देते हैं, उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये बेसिकली थ्री फेज पावर सप्लाई होता है। और ये थ्री फेज नॉर्मली इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या फिर बड़ा बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को सप्लाई देते हैं। जो हमारे घर तक आता है वो बेसिकली सिंगल फेज का होता है, जो 240 वोल्ट का होता है। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको पता चला जहाँ से पावर जनरेट होता है वहाँ से आपके घर तक कैसे कैसे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुँचता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।